चौसा में आंदोलनरत किसानों से मिलने के लिए अपर समाहर्ता प्रीतेश्वर प्रसाद तथा अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मुआवजा के संदर्भ में जो मांगे किसानों की है उसको उचित प्राधिकार तक पहुँचा दिया जाएगा तथा अन्य मांगों पर भी अधिकारियों से विमर्श किया जाएगा। पहले भी अलग अलग दौर में वार्ताएं हो चुकी हैं, परसों भी हम लोगों की बात हुई थी किसानों से, आज फिर बात हुई है। अपर समाहर्ता महोदय के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं, जिला भू अर्जन पदाधिकारी भी हैं और इनके जो प्रतिनिधि हैं या जो किसान भाई हैं उनमें से जो लोग हैं कुछ, उनसे बात हुई है और एक बात पर सहमति बनी है। ये लोग भी इस बात को समझते हैं, हम लोग बार बार इसको रिपीट भी कर रहे हैं कि मुआवजे का जो दर है उसका पुनर्निर्धारण हम लोगों के हाथ में नहीं है, जिला स्तर पे जिला पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए उसमें कोई झूठा आश्वासन या दिलासा हम लोग नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे। अपने किसानों को हम लोग भरमाने की कोशिश नहीं करेंगे। शेष जितनी भी इनके मांगे हैं वो हम लोगों ने एक तरह से कह लीजिए कि उसको सही माना है और इसीलिए कल संभवतः ये लोग आज रात में बता देंगे आपस में मंत्रणा करके, और अगर इनकी बात आ जाती है, इनका फीडबैक आ जाता है तो कल शीर्षस्थ स्तर पर जिसमें SJVN के भी सर्वोच्च पदाधिकारी रहेंगे, जिला के कलेक्टर रहेंगे, इनके प्रतिनिधि रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे फीडबैक देने के लिए, बाकी सारी मांगों पे बिल्कुल आमने सामने बात हो जाएगी। इनकी जो शिकायतें हैं SJVN को लेकर उसके बारे में हम लोग SJVN से जवाब तलब करेंगे, अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनको अकॉर्डिंगली निर्देश दिया जाएगा और उनको भी मौका दिया जाएगा कि आप चाहें तो आपके पास अगर कुछ कहने को तो आप भी बताएं। लेकिन सर ये आप जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस मामले को लेंदी कर रही है, वो रिवाइज नहीं कर रही है, अगर इसका कोई साक्ष्य मिल जाए तो हमारे साथ भी साझा कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या रिवाइज करने के लिए आगे बढ़ाएंगे आप इसको? हाँ, इनकी मांग है, इनकी जो मांगे हैं उसमें जैसे एक मुख्य मांग है रेट रिवीजन, वो हम लोग नहीं कर सकते, हमारे क्षेत्राधिकारी नहीं। लेकिन एक जो बात हम लोगों के सामने लाई गई कि पिछले 8 सालों में MVR का रिवीजन नहीं हुआ है जिससे इनको नुकसान हो रहा है, अगर MVR का रिवीजन हो गया रहता नियमित अंतराल पे तो ये समस्या ही शायद नहीं आती, रेट अपने आप रिवाइज हो जाता, तो वो सही गंतव्य तक पहुंच जाए ये बात, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे और जिस विभाग को MVR रिवाइज करना होता है वहाँ तक हम पहुँचाएँगे कि इस वजह से हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है, हमें उम्मीद है कि उस बात को संज्ञान। सर अभी इन्होंने जो CAG की रिपोर्ट दिखाई है उसमें लिखा हुआ था क्लियरली कि जो भी गड़बड़ी हुई है MVR डिवीज़न में या जो भी है तो ये भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर से हुई है, तो क्या कोई कार्रवाई भी होगी? वैसे रेट रिवीजन में गड़बड़ी जी, अगर क्या रेट रिवीजन में जो गड़बड़ी हुई है, अगर गड़बड़ी हुई है तो हम लोग पहले इस निष्कर्ष पर पहुँच जाए कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं, कार्रवाई की बात तो बाद में आती है। इस मामले में जांच कराएगी जिला प्रशासन, पहले हम इनकी मांगों को भेजेंगे आगे। हमने पहले ही कहा कि दर निर्धारण हमारा क्षेत्राधिकार नहीं, वो कलेक्टर साहब भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इनकी बातों को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ लोग इस बारे में नीति निर्धारण करने की क्षमता रखते हैं, उसके बाद उनके निर्देश का जैसा होगा पालन करेंगे। ठीक है।